काल के बीच सिकंदराबाद के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि यहां नवीन ग्रुप की ओर से 100 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आज सिकंदराबाद में 100 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी कोविड-19 अस्पताल की शुरुआत की गई। बता दें कि सिकंदराबाद में बनाए गए इस हॉस्पिटल को यूपी सरकार से कोविड के मरीजों का इलाज करने की मान्यता भी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, अस्पताल के उद्घाटन के दौरान सामाजिक कार्यों को लेकर जाने जाने वाले युवा नेता और देश के रक्षा मंत्री के छोटे पुत्र नीरज सिंह अस्पताल के उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने सिकंदराबाद पहुंचे और अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिकंदराबाद विधायक पति देवेंद्र सोलंकी, बुलंदशहर सीएमओ, नवीन ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुमार, प्रबंध निदेशक धनंजय तेवतिया एवं निदेशक डॉक्टर यतेंद्र मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सिकंदराबाद में कोविड हॉस्पिटल खोले जाने को लेकर डॉक्टर नवीन की जमकर सराहना की। निश्चित रूप से इस वैश्विक संक्रमण काल में यहाँ पर उच्च मानक स्थापित कर चुके नवीन अस्पताल ने अपना एक नया अस्पताल स्थापित किया है। क्षेत्र की जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा और बढ़ते हुए कोविड के केसेस के अंदर शासन प्रशासन ने भी इस बात की पूरी चिंता करी कि यह प्रकल्प जल्द से जल्द पूरा हो जाए। मैं डॉक्टर नवीन को इसके लिए विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा अस्पताल स्थापित करने का काम किया। ये 75 बेडेड हॉस्पिटल होगा और मुझे लगता है जनता को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा और एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा उनको यहाँ पर प्राप्त होगा। नीरज सिंह ने कहा कि अब बुलंदशहर और सिकंदराबाद के मरीजों को उनके शहर में ही बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही नवीन अस्पताल में कोविड-19 के अलावा सभी रोगों के मरीजों को इलाज की सुविधा उचित दरों पर मिलेगी। वहीं ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन ने कहा कि सिकंदराबाद में बनाए गए नवीन हॉस्पिटल में कोविड-19 के इलाज एवं जाँच की विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद है। हॉस्पिटल के अधिकतर हर बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर और पल्स ऑक्सीमीटर लगाए गए हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के बेड भी लगाए गए हैं। डॉक्टर नवीन ने दावा किया कि सिकंदराबाद में नवीन हॉस्पिटल खुलने के बाद अब जनपद के लोगों को इलाज के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नवीन ने यह भी दावा किया कि इस हॉस्पिटल में कोरोना के गंभीर से गंभीर मरीज का भी इलाज किया जा सकता है। वहीं इस मौके पर मौजूद सभी गणमान्य लोगों की ओर से नवीन ग्रुप द्वारा किए गए इस कार्य की खूब सराहना की गई। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।